मीनिंग्स, शब्दार्थ, शब्दार्थ नहीं, किनके? चाचा नेहरू पार्ट के शब्दार्थ। ऑलरेडी मैंने आपको बोर्ड के ऊपर बहुत सारे शब्दार्थ बताए, लेकिन हमारे बुक में 47 पेज नंबर 47 में जो दिया है उसे तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, और उसे आपको क्या करना है, कंटेस्ट भी करना है। एक बार देखो कैसे कैसे शब्दार्थ दिए गए। विख्यात, प्रसिद्ध, विख्यात, और एक बार प्रसिद्ध, विख्यात मींस फेमस, फेमस, ओके। समाज, ज्ञान, समाज, ज्ञान, ज्ञान मींस नॉलेज, ज्ञान मींस नॉलेज। प्रभाव, प्रभाव, असर, प्रभाव, असर, इफेक्ट, व्हाट, इफेक्ट। स्वतंत्र, आजाद, स्वतंत्र, आजाद, इंडिपेंडेंट, ओके। नेक्स्ट, कर्तव्य, जिम्मेदारी, कर्तव्य, जिम्मेदारी, कर्तव्य, जिम्मेदारी, ड्यूटी, ओके ना। तो इसको आपको क्या करना है, पढ़ना भी है और कंटेस्ट करना भी है। तो वकील, वकील कानून का ज्ञाता, वकील कानून का ज्ञाता, लायर है ना, लायर। परीक्षा, इम्तहान, परीक्षा, इम्तहान, एग्जाम। शिष्य, चेला, शिष्य, चेला, प्यूपिल। प्रथम, पहला, प्रथम, पहला, फर्स्ट। सेवा, शुश्रूषा, सेवा, शुश्रूषा मींस सर्विस, ओके। अब आगे के जो है वो मीनिंग्स भी यहां पर हम लिखेंगे और इसको दोहराएंगे, ओके। आर यू रेडी? ओके चलो। बुद्धि, ज्ञान, बुद्धि, ज्ञान, नॉलेज। शासन, शासन, राज, शासन, राज, रूल। नीव, आधार, नीव, आधार, बेस। प्यार, प्रेम, प्यार, प्रेम, लव। प्यारे, प्रिय, प्यारे, प्रिय, डियर। तो ये हो गए हमारे मीनिंग्स, ये हो गए हमारे शब्दार्थ। बच्चे लोग इनको आपको कंटस्थ करना है। अब आप आगे जाएंगे अभ्यास कार्य के तरफ, क्वेश्चन एंड आंसर्स, ओके। पेंसिल पेन निकालो और बुक निकालो, रेडी रहो। चलो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे अभ्यास कार्य में आपको प्रश्न दिए गए हैं और हमें उसके आंसर्स लिखने हैं,
यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे नेहरू जी को क्या कहकर बुलाते थे। क्वेश्चन क्या है, बच्चे नेहरू जी को क्या कहकर बुलाते थे, क्या बुलाते थे, चाचा जी, है ना। तो बच्चे नेहरू जी को चाचा जी कहकर बुलाते थे, इज राइट, गुड, लिख लो, बच्चे नेहरू जी को चाचा जी कहकर बुलाते थे। सेकेंड वन क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, कोई पढ़ेगा सेकेंड वन क्वेश्चन, देखो कौन सा है वहां पर, नेहरू जी का जन्म कब तथा कहां हुआ, नेहरू जी का जन्म कब और कहां हुआ। मैं लिख रहा हूं यहां पर, नेहरू जी का जन्म कब और कहां हुआ, कहां हुआ बच्चों, कब हुआ बोलो, कब हुआ था, 14 नवंबर 1889 है ना। तो और कहां पर हुआ था, कौन से गांव में, इलाहाबाद में हुआ था। ओके तो लिखो यहां पर, नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, इलाहाबाद में हुआ था, इज राइट। ओवर सेकंड क्वेश्चन, 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप देखो थर्ड क्वेश्चन मैं यहां पर लिखता हूं, क्या है थर्ड क्वेश्चन, नेहरू जी की माता जी का नाम क्या था, उनके मम्मी का नाम क्या था, कोई बोल सकता है, करेक्ट, श्रीमती स्वरूपा रानी। तो क्वेश्चन लिखो, नेहरू जी की माता जी का नाम, माता जी का नाम क्या था, क्या था, स्वरूपा रानी। तो नेहरू जी की माता जी का नाम श्रीमती स्वरूपा रानी, स्वरूपा रानी था। समझ में आए क्वेश्चंस, आंसर्स, है ना। तो आगे का क्वेश्चन क्या है, नेहरू जी अपना, नहीं चौथा क्वेश्चन यह है कि गांधी जी अपना शिष्य किसे मानते थे, गांधी जी अपना शिष्य किसे मानते थे, नेहरू जी को मानते थे, है ना, नेहरू जी को स्टूडेंट मानते थे, नहीं मानते थे, इज राइट, ओके। तो हमें ये क्वेश्चन भी लिखना है, अभी आंसर भी लिखना है, ओके। चौथा क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए, गांधी जी अपना शिष्य, शिष्य मीन्स स्टूडेंट, अपना शिष्य किसे मानते थे, किसे मानते थे,
किसे मानते थे अपना शिष्य? करेक्ट, चाचा जी को। तो उत्तर गांधी जी अपना शिष्य नेहरू जी को मानते थे। अब लास्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, नेहरू जी अपना क्या कर्तव्य मानते थे? ओके, क्या कर्तव्य मानते थे नेहरू जी? फिफ्थ क्वेश्चन है वो, नेहरू जी अपना क्या कर्तव्य मानते थे? क्या कर्तव्य मानते थे बच्चे लोग नेहरू जी? है ना, देश की सेवा ही अपना परम कर्तव्य मानते थे। तो लिखो, नेहरू जी आप देश की सेवा ही अपना परम कर्तव्य मानते थे। ओके, ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चंस, प्रश्न और उत्तर। हमने इसे पूरा कर लिया और आपको बताया किस प्रकार लिखते हैं और समझाया भी। ओके, अब आगे हम जाने वाले हैं, शब्दों को वाक्य बनाना है। आपको वर्ड्स दिए जाएंगे हिंदी में और इन वर्ड्स को लेकर आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है, कि वाक्य बनाना है। कौन से वर्ड्स दिए, चलो देखते हैं। इन शब्दों से वाक्य बनाइए, आपको ओन सेंटेंस बनाना है ना। आपको यहां पर वर्ड्स दिए गए हैं, यूज दीज वर्ड्स एंड राइट ओन सेंटेंस। ओके, देखो कौन से वर्ड्स दिए हिंदी में, जन्म, स्वतंत्रता, आंदोलन, कर्तव्य, प्रथम, वकालत, महापुरुष। ये है आपके वर्ड्स और इसको एक सेंटेंस जैसा उपयोग करके, इस वर्ड को उपयोग करके एक सेंटेंस बनाना है, वाक्य को बनाना। जन्म बोलो, नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ। जन्म का उपयोग किया, अंडरलाइन। ओके, जन्म। अब क्या है, स्वतंत्रता, देश को स्वतंत्रता लाने के लिए हमारे नायकों ने बलिदान दिए। ओके, देश को स्वतंत्रता लाने के लिए हमारे नायकों ने बलिदान दिए, तब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता। नहीं तो मैं स्वतंत्रता चाहता हूं, इजी सेंटेंस, मैं स्वतंत्रता चाहता हूं।
मैं मेरे देश को, नहीं तो मैं अपने देश को स्वतंत्रता लाना चाहता हूं। ये भी ईजी वो सेंटेंस है। ओके, एनीवन, मैंने तो अभी बना दिया। आंदोलन, आंदोलन, गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ किया। आंदोलन, देखो यहां पर आंदोलन आ गया। कर्तव्य, माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य है या नहीं? माता पिता की सेवा करने हमें तो कर्तव्य, या देखो यहां पर आ गया कर्तव्य। प्रथम, मैं कक्षा में प्रथम आता हूं, है ना? मैं क्लासरूम में प्रथम आता हूं, किसमें? पढ़ाई में, नहीं तो सबसे पहले, कोई भी आप सोच सकते हैं। तो यहां पर प्रथम, नहीं तो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, ये भी आप लिख सकते हैं। वकालत, नेहरू जी ने वकालत पूरी करके वकालत को पूरा करके भारत लौटे, है ना? नेहरू जी ने क्या किया? वकालत को पूरा करके कहां पर लौटे? भारत लौटे, वकालत। हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष हुए, महापुरुषों ने जन्म लिया, ये भी लिख सकते हैं, जन्म लिया, ये अच्छा रहेगा, ये लिखो। ये हो गया हमारा ओन सेंटेंस बनाना, वाक्यों में प्रयोग करना, शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना। अब आगे आपको पेज नंबर 48 पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, देखो, करेक्ट वर्ड्स लेकर फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स, सही शब्द से खाली स्थान भरिए। तो आगे के क्वेश्चन की तरफ हम अब बढ़ रहे हैं। चलिए, सही शब्दों से खाली स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। आपको यहां पर वर्ड्स दिए, देखो, गांधी जी, स्वरूपा रानी, मोतीलाल नेहरू, पहले वकील। इन वर्ड्स को लेकर आपको क्या करना है? यहां पर आपको जो सेंटेंस दिया है उसमें ब्लैंक्स है, उसे आपको भरना है और सेंटेंस को पूरा करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, नेहरू जी के पिताजी का नाम व्यास था, क्या था बच्चे लोग बोलो? मोतीलाल नेहरू, इज राइट। तो यहां पर मोतीलाल नेहरू लिखिए।
अब सेकेंड वन, नेहरू जी के माता जी का नाम क्या था? डैश था, क्या डैश था? नाम स्वरूपा रानी, तो स्वरूपा रानी। नेहरू जी डैश के शिष्य थे, किसके शिष्य थे? गांधी जी, गांधी जी के शिष्य थे, गांधी जी, गांधी जी के शिष्य थे। फोर्थ वन, नेहरू जी इंग्लैंड से डैश बनकर लौटे, इंग्लैंड गए थे और वहां पर वकालत पास हो गए नहीं, और क्या बनकर आए? लॉयर, यानी कि वकील, वकील, वकील बनकर आ गए। नेहरू जी भारत के डैश प्रधानमंत्री बने, पहले, सबसे फर्स्ट यानी कि प्रथम, पहले। ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब नीचे आपको क्या करना है, इन शब्दों के अर्थ लिखे, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो मैं वर्ड्स लिखकर आपको दिखाता हूं, उसके मीनिंग्स भी हम यहां पर लिखेंगे और पढ़ेंगे। इन शब्दों के अर्थ लिखिए। प्यार, प्यार मीन्स प्रेम, प्यार मीन्स प्रेम यानी कि लव। माता, माता मीन्स मा, माता मीन्स मा यानी कि मदर, मदर है ना। नेक्स्ट स्वतंत्रता, स्वतंत्रता क्या होता है? आजाद, आजाद, तो इंडिपेंडेंसी है ना। ओके, इंडिपेंडेंसी, आजाद। न्यू, न्यू मींस न्यू, आधार, आधार, बेस, आधार, बेस। वकील, कानून का ज्ञाता, कानून का ज्ञाता यानी कि कानून को जानने वाला। कौन है? लायर। लायर। नेक्स्ट समझ, समझ का अर्थ क्या है? ज्ञान। समझ का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान मीन्स नॉलेज, ज्ञान मीन्स नॉलेज। मजबूत, बलवान, स्ट्रांग, मजबूत, बलवान, स्ट्रांग, मजबूत, बलवान, स्ट्रांग। आप स्ट्रांग हो? यस। कर्तव्य, जिम्मेदारी यानी कि ड्यूटी, कर्तव्य, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी मीन्स ड्यूटी। ये हो गया हमारे इन शब्दों के अर्थ। हमने क्या किया, हिंदी में और अंग्रेजी में भी लिखकर आपको बताया। अब आगे का क्वेश्चन है आपका, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मीन्स ऑपोजिट, ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है। ओके, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कैसा लिखना है। बाजू में आपको वो वर्ड्स दिए हैं, उसको देखकर आपको लिखना है। आर यू रेडी? यस। विलोम शब्द लिखिए, आपको आगे का क्वेश्चन दिया है, विलोम शब्द लिखना है, ऑपोजिट वर्ड्स आपको लिखने हैं। यहां पर, यहां पर देखो आपको दिए ये शब्द, द्वेष, मरण, परतंत्र, अंतिम,
दीना बुरा. ओके, आपके सामने आंसर्स है, इसको ढूंढ के यहां पर आपको लिखना है. प्यार, जन्म, अच्छा, स्वतंत्र, प्रथम, रात. अब प्यार, प्यार तो ऑपोजिट वर्ड यहां पर हमें लिखना है. पहला वर्ड क्या है? प्यार. प्यार यानी कि द्वेष, द्वेष. तो यहां पर द्वेष लिखो, द्वेष. जन्म इज राइट, मरण. जन्म का क्या होगा? मरण. जन्म का क्या होगा? मरण. नेक्स्ट वन, अच्छा. अच्छा मीन्स गुड. बुरा, बुरा मीन्स बैड. ओके, बुरा लिख लो यहां पर. अच्छा, बुरा. स्वतंत्र, स्वतंत्र तो क्या आएगा? परतंत्र. क्या है? परतंत्र. स्वतंत्र, परतंत्र. प्रथम, प्रथम मीन्स फर्स्ट. अंतिम, लास्ट. अंतिम, प्रथम, अंतिम. रात, नाइट. दिन, डे. रात, दिन. देखो, प्यार, द्वेष, जन्म, मरण, अच्छा, बुरा, स्वतंत्र, परतंत्र, प्रथम, अंतिम, रात, दिन. ओके, फिर एक बार बोलेंगे. प्यार, द्वेष, जन्म, मरण, अच्छा, बुरा, स्वतंत्र, परतंत्र, प्रथम, अंतिम, रात, दिन. ओके, अब आगे के क्वेश्चन की तरफ चलिए. इन शब्दों को तीन तीन बार लिखिए. राइट ईच वर्ड थ्री टाइम्स. ओके ना, हाउ मेनी टाइम्स? थ्री टाइम्स. यू सी द वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, यू सी एंड अंडरस्टैंड कर लो, और बाद में इसको क्या करना है हमें, तीन तीन बार लिखना. ऑलरेडी आपको प्लेसेस दिए. ओके, उस प्लेस के ऊपर हमें देखकर लिखना है, खाली कॉपी करना है, कॉपी कॉपी करके लिखना है. ओके, देखो, स्वतंत्रता, आंदोलन, कर्तव्य, वकालत, शासन, मजबूत. तो पहला है स्वतंत्रता. स्वतंत्रता लिखो यहां पर. फिर से स्वतंत्रता, और एक बार स्वतंत्रता. ये क्या है? आंदोलन, आंदोलन, आंदोलन. क्या है? आंदोलन. अब आगे कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य. बाद में वकालत, वकालत, वकालत. नेक्स्ट शासन,
शासन, शासन। और लास्ट वर्ड मजबूत, मजबूत, मजबूत। ओके, ऐसा आपको देखकर क्या करना है, कॉपी करना है। बच्चे लोग, हमारे चाचा नीरू का जो अभ्यास कार्य था वो हमने टोटली पूरा कर लिया है, और जो भी हमने लेसन एक से प्रार्थना से लेकर 14वां लेसन चाचा नीरू तक आपको हमने समझाए, लेसन्स पढ़ाए, लिखाए, उसके एग्जाम्पल्स उदाहरण दिए, हर कोई चीज़ हम समझाने का प्रयत्न किया आपको। मैं सोचता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। हम 5th क्लास में फिर से आपको मिलेंगे, तब तक हम आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, मैं आपका श्रीनिवास।